एक एक पर आके श्रृंखला हुई बराबर। वाइजैक में हैदराबाद का रन है चुकाया, जहां पर भारत मुकाबले को अपने नाम करता नजर आया। जहां पर जसप्रीत बुमराह के वो पहले इनिंग में 6 विकेट जहां उन्होंने चटकाए, और उसके बाद दूसरी इनिंग में भी विकेट चटकाया। दूसरे इनिंग में भी तो 3 विकेट उनके खाते में आई। रविचंद्रन अश्विन ने भी तो 3 विकेट आखिर में चटकाया। बताएं कुलदीप का भी ठीक ठाक प्रदर्शन था। बताया आपको भारत ये मुकाबले को 106 रन से अपने नाम अपने कब्जे में करता नजर आया। बताएं पहले इनिंग में भारत की बल्लेबाजी, भारत ने जीता रहा टॉस, 396 रन बनाने में थे कामयाब। यशस्वी ओजस्वी जायसवाल कमाल किया उन्होंने, और कमाल का प्रदर्शन 200 के ऊपर का पार रन बनाया, 209 रन उन्होंने बनाने में कामयाब। जहां पर बाकी और कोई बल्लेबाज नहीं पहुंच पाया 40 के स्कोर के पार। बताया आपको तो इंग्लैंड की टीम के जब आई बल्लेबाजी तो 253 में उसके जवाब में बनाया। जरूर उनके रन रेट उनका बहुत पारा पे रहता है, लेकिन रन को तो पार नहीं पार पाए। 6 विकेट जसप्रीत बुमराह के थे, 3 कुलदीप यादव के और 1 अक्षर पटेल का। जब भारत की दूसरी बार आई बल्लेबाजी तो 78 ओवर में 255 रन भारत फिर बनाया। शुभमन गिल जो दबाव में थे वो निखर के दिखाया और शतक बना के दिखाया। 3 नंबर पे घर पे 7 सालों के बाद किसी बल्लेबाज ने शतक लगाया। बताएं 4 विकेट टॉम हेथी ने चटकाई, 3 विकेट रेहान के खाते में थी, शोएब बीर के खाते में 1 सफलता और 2 जिमी एंडरसन। और इंग्लैंड की जब आई दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी तो 292 रन पे तिमटी उनकी पारी। 73 जैक ट्रॉली, 28 डकेट, 23 रेहान जो आए थे नाइट वॉचमैन के रूप में, ओली पॉप 23 जो रूट 16 रन बनाकर आउट हुए, 26 बेंच टो, 11 स्टोक्स, 36 फोक्स, टॉम हेथी 36, शोएब बीर 0 और 5 जेम्स एंडरसन। 3 विकेट जसप्रीत बुमराह, 1 विकेट मुकेश कुमार, 1 विकेट कुलदीप यादव, 3 विकेट रविचंद्रन अश्विन और 1 विकेट अक्षर पटेल। तो ये रहा पूरा मुकाबले का लेखा जोखा। अभी आप देख रहे हैं क्रिप्टो टाइम्स में। अगर आपको वीडियो चाहिए लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।